So very good morning to all of you, class 3. Till now we had done articles, nouns, introduction to nouns. We had also done singular, plural, and today we are going to do countable and uncountable nouns. सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? पढ़ाई हो रही है? आपको मैंने आप सबको म्यूट करा है, आप अपना हाथ ऊपर करके जवाब देंगे. You will raise your hand and answer. Everybody is okay? तो अपना थंब ऊपर करो, ऐसे करो थंब. Everybody is okay? Good. Are you doing your work? अगर काम कर रहे हो तो ऐसे, और अगर नहीं कर रहे तो कुछ मत करो. Right? All right. Very good. But आप में से बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है अपना काम पोस्ट नहीं करते ग्रुप पर. फिर मैं आपको आपके मिस्टेक्स कैसे बताऊंगी बेटा? यू हैव टू व्हाट्सएप योर वर्क ऑन द ग्रुप सो दैट आई कैन चेक इट लेटर एंड आई कैन टेल यू अबाउट द मिस्टेक्स और इफ इट इज डन वंडरफुली आई कैन अप्रिशिएट ऑल्सो. राइट? जो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको मैं गुड, वेरी गुड लिखती हूँ ना, और क्लैपिंग भी लिखती हूँ. चलिए, कमिंग टू टुडेज टॉपिक, इट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउन हमने बताया था क्या होता है, किसी भी, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी पर्सन का नाम, दिस इज कॉल्ड नाउन. एंड टॉकिंग अबाउट काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं. अगर मैंने बोला ग्लास, ग्लास क्या है? ग्लास एक यूटेंसिल का, एक बर्तन का नाम है, ठीक है, तो वो नाउन हुआ. अगर मैं बोलती हूँ गिव मी सिक्स ग्लासेस, तो यहाँ मैंने सिक्स बोला तो मैंने काउंट कर सकती हूँ ग्लासेस को, तो इट इज़ काउंटेबल. अगर मैंने बोला मानस जोशी हैज़ फाइव पेंसिल्स, तो आई एम एबल टू काउंट पेंसिल्स, सो दैट मीन्स दिस इज अ काउंटेबल नाउन. इफ आई सेड प्रियांशु हैज, प्रियांशु कितने टॉयज हैं आपके पास? चलो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप मुझे बताओ. प्रियांशु बताएंगे कितने टॉयज हैं प्रियांशु आपके पास? How many toys you have? हाँ, जोर से उधर मम्मी की तरफ देखना, अभी क्लास चल रही है ना. हाँ, जोर से सुनाई नहीं दे रहे आप तो मुझे आवाज आपकी. फाइव, फाइव टॉयज. मम्मी खेलते हैं, हमारी खेलते हैं क्रिकेट, फुटबॉल. So, Priyanshu is not clearly audible. Let's assume he is saying I have five toys, right? अभी toy क्या है? Toy एक common noun हो गया. अभी जो बच्चे बीच बीच में शरारते कर रहे हैं ना, उनको मैं बहुत difficult वाले question पूछने वाली हूँ फिर, या मैं उनका video ही बंद कर दूंगी. तो Priyanshu has five toys. तो what is this five? This is number and I can count the toys. So that means this is countable. चलिए अभी मेरे को रोहन बताएंगे.
मैं रोहन को अनम्यूट कर रही हूँ. यस रोहन, नाउ क्वेश्चन फॉर यू. आपकी मम्मी ने सुबह चाय बनाई होगी या आपको दूध दिया होगा? मिल्क. मिल्क पीते हो सुबह? यू ड्रिंक मिल्क. अच्छा, तो मम्मी ने दूध में कितनी चीनी डाली थी? मम्मी ने दूध में कितनी शुगर डाली थी? आप मिल्क में कितनी शुगर लेते हो? आप शुगर को गिन सकते हो? बोलिए. इनका तो नेटवर्क लग रहा है मुझे कुछ इश्यू हो गए हैं नेटवर्क के. ये तो आउट ऑफ नेटवर्क हो गए, हैंग हो गया इनका मोबाइल. चलिए, लेट मी कम टू अनुभूति. यस अनुभूति, आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस और नो? अच्छा आप बताओ, आप अगर मिल्क पीते हो तो मम्मी उसमें कितनी चीनी डालती है, शुगर कितनी डालती है? एक चम्मच या दो चम्मच? मतलब कि आप शुगर के दानों को गिन सकते हो? आप चीनी को गिन सकते हो? तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई आस्क माई मदर टू एड लिटिल शुगर टू माई मिल्क और मोर शुगर टू माई मिल्क. हम उसको 2, 5, 6 ऐसे काउंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना. तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ अनकाउंटेबल नाउन. यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन. क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? यस और नो? यस. ओके, नाउ हमेशा की तरह हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन राउंड जहां हम क्वेश्चंस पूछते हैं. सो एवरीबॉडी रेडी फॉर गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम मी? ओके.